उनका काम है डांस करना, मुजरे करना, एक्टिंग करना, गाना, नाचना। वो ये नहीं करेंगे तो उनको कोई कल को पूछेगा भी नहीं। उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? मुजरा करना, नाचना, एक्टिंग करना, गाने गाना, मॉडलिंग करना। अस्सलाम वालेकुम, मैं भी शायद एक मरतबा फिर से फंस चुकी है और बड़ी तनकीद हो रही है उनके ऊपर सोशल मीडिया पर। उसकी वजह यह है कि एक इश्तिहार है गाला बिस्कुट का, कल या परसों से हर टीवी चैनल के ऊपर चल रहा है। पाकिस्तान में जितने भी चैनल्स आपके केबल पर आते हैं तो उसके ऊपर यह इश्तिहार चल रहा है, जिसमें वो बाकायदा डांस कर रही है, बल्कि डांस नहीं, मुजरा कर रही है। और कुछ लोग अब कह रहे हैं कि यह इश्तिहार हराम है, कुछ लोग कह रहे हैं हलाल है, कुछ लोग कह रहे हैं कि गाला बिस्कुट का बाकायदा बायकॉट किया जाए, कुछ लोग कह रहे हैं कि उस चैनल जिस चैनल पर यह इश्तिहार चले उस चैनल का आप लोग बायकॉट करें। इसी हवाले से इस वीडियो में बात होगी। वीडियो आप लोगों ने पूरी देखनी है, मेरी जो भी राय, जो भी ऑब्जर्वेशन होगी वो मैं आपके सामने ज़रूर रखूँगा। उसके बाद आप लोग अपनी राय का इजहार आप लोगों ने ज़रूर 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 करना है, आपका कॉमेंट बिल्कुल भी डिलीट नहीं किया जाएगा। पहली बात हम करते हैं महविश हयात की। एक आर्टिस्ट है, सिंगर है, अदाकारा है, बड़ी मशहूर है, दो तीन फिल्में हिट होगी उनके बाद उनका नाम चलना शुरू हो गया। कुछ एनजीओस के साथ भी वाबस्ता है और इसके अलावा तमगा इम्तियाज़ भी इस्लामी जमहूरी पाकिस्तान की जानिब से इनको मिल चुका है, इसी हकूमत ने इनको दिया। इस्लामी जमहूरी पाकिस्तान, आपने गौर करना है मेरे अल्फाज पे, दोबारा सुने, इस्लामी जमहूरी, पहले इस्लामी फिर जमहूरी। और पाकिस्तान ने एक डांसर को, उन्होंने आज से 2 साल पहले तमगा इम्तियाज़ का एक बहुत बड़ा एवॉर्ड मेडल जो है एजाज़ उनको दे दिया है। तो एक बात आप लोगों को क्लियर करनी होगी कि महविश हयात जो है वो कोई आलमा नहीं है, वो कोई इस तरह की टीचर नहीं है, वो कोई जनाब हाफजा नहीं है, कोई कुरान पढ़ाने वाली नहीं है, कोई तबलीग वाली नहीं है। उनका काम है डांस करना, मुजरे करना, एक्टिंग करना, गाना नाचना, मॉडलिंग करना, इश्तहारात में काम करना। और प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो भी ड्रेस उनको देगा, जो भी जिस तरह भी स्टेप उनको बताएगा, उनको वो करना होगा, क्योंकि उससे ही वो लोग अपना नाम और अपना पैसा बनाते हैं। जिस तरह मैं यहाँ पर बैठा हूँ और आप लोगों के साथ कंटेंट अपना आइडिया शेयर कर रहा हूँ, और मैं इससे एक तो मेरी कोशिश होती है मेरा नाम बन जाए, दूसरा ये होता है कि मैं भी पैसे कमाऊँ। तो मेरे जो ज़रिया माश जो है ना, सोर्स ऑफ इनकम जिसको कहा जाता है, वो ये है। उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? मुजरा करना, नाचना, एक्टिंग करना, गाने गाना, मॉडलिंग करना, इश्तहारात के अंदर जो है आना। तो ये सब उनका अपना एक ज़रिया माश है, सोर्स ऑफ इनकम है, उनका कारोबार है, उनका बिजनेस है। वो ये नहीं करेंगे तो उनको कोई कल को पूछेगा भी नहीं। जिस तरह के एक अदाकारा, एक बहुत ही मशहूर अदाकारा थी, उनकी कुछ वीडियोज़ आती है, उसके बाद बेचारी फ्लॉप होगी, पेंटिंग्स वगैरह करती है, आज उनको लोग जानते ही नहीं है। पहले एक ट्वीट करती थी, एक वीडियो डालती थी तो हज़ारों लोग उनको चंद मिनट्स में उस वीडियो को शेयर करते थे। आज वो कहाँ पर है? जब उसने इस्लामी रास्ता इख्तियार कर लिया, ठीक हो गया। मैं भी शायद कि अब जो भी ट्वीट होगी, सबसे पहले जो लोग उनके खिलाफ होंगे ना, वो उस पर आएंगे, कोई कमेंट करके जाएंगे, ठीक हो गया। लेकिन महविश हयात ने जिस दिन, मैं आप लोग को लिख के दे रहा हूँ, जिस दिन उसने डांस छोड़ दिया, मुजरे छोड़ दिया, गाना छोड़ दिया, दुपट्टा सर पर ले लिया, तबलीग शुरू कर दी, या अपनी ज़िंदगी बदलने का सोच लिया, उस दिन देखना उनके अकाउंट पर कोई नहीं आएगा, क्योंकि जनाब वो इस्लामी हो चुकी है। एक और मैं मज़े की बात बता दूँ, पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान के इवन के न्यूज़ चैनल्स, आप एंटरटेनमेंट चैनल ड्रामे को छोड़ दें, ड्रामे तो आप लोगों ने पाकिस्तान के देख लिए, ठीक है, बहुत अच्छे ड्रामे भी हम लोग बनाते हैं, ये नहीं कि सारे ड्रामे हमारे फ्लॉप होते हैं। अब कुछ ड्रामे जो चल रहे हैं कुछ अरसे से, जिसमें साली का चक्कर बहनोई के साथ है, सुसर का चक्कर बहू के साथ चल रहा होता है, बीवी का चक्कर अपने हस्बैंड के दोस्त के साथ चल रहा होता है, तो ये सारे चक्कर जो चलाए जा रहे हैं ना, ये इसीलिए चलाए जा रहे हैं ताकि लोग देखें, और लोग देखते हैं इस चीज़ को, खुश होते हैं। मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ यूट्यूब के छोटे प्लेटफॉर्म की, ठीक हो गया। यहाँ पर मेरी जगह कोई लड़की बैठती है ना, और वो कपड़े पूरे नहीं पहनती, या तो उनके पास पैसे नहीं होंगे या जो भी वजह होगी उनके पास, और वो कपड़े पूरे नहीं पहनती, आप लोग उस लड़की को आधा घंटा भी वो बोलेगी ना, आप लोग नज़रें इधर उधर नहीं करेंगे, आप लोग देखते रहेंगे, उसका व्यू क्या होगा, उसके व्यूज़ क्या होंगे और मेरे व्यूज़ क्या होंगे, आप लोग को पता लग जाएगा। जब हम लोग ऐसी चीज़ें पसंद करते हैं खुद,
उसके बाद हम किस किस मुंह से हम कहते हैं कि जनाब कि ये गलत कर दिया, उसने ऐसा कर दिया तो उसने वैसा कर दिया। फिर आप पैमरा की बात करते हैं, पैमरा बेचारी क्या करे, पैमरा के पास कौन से इख्तियारात हैं आप लोग मुझे बता दें ज़रा। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त पाकिस्तान का एक चैनल जिसका मुझे पता है उसके पास सिरे से जो है करंट अफेयर्स का लाइसेंस ही नहीं है और वो अपना चैनल चला रहे हैं और पैमरा ने कई बार उनको नोटिस किया है लेकिन उसके बावजूद किसी किस्म की कोई उस चैनल को ना उस चैनल ने अपने आप को ना बंद किया ना बंद होने दिया। तो ये पैमरा की कुल औकात है। इस मामले में भी कुछ सहाफ़ियों ने, कुछ एंकर्स ने, कुछ मीडिया के लोगों ने, सोशल मीडिया ने थोड़ा शोर मचा दिया, ट्रेंड्स बना दिए, जिस तरह हम लोग ट्रेंड्स बनाते हैं गर्मा गर्मी में, पता होता नहीं मामले का और कुछ भी जहन में आया और मार दिया और लिख दिया और बस मामला ख़त्म कर दिया। तो पैमरा ने मेरे ख्याल से कोई इस तरह का कोई नोटिफिकेशन इशू किया है लेकिन इश्तिहार अभी भी चल रहा होगा, बल्कि अब इश्तिहार ज़्यादा चल रहा है और इससे ज़्यादा मशहूरी हुई है महविश हयात और गाला बिस्कुट की। ये आप लोग जहन में डालें कि ये इन्होंने एक स्टंट मारा है अपनी अपने आप को मशहूर करने का। मेरे ख्याल से तो ये लगता है जिन लोगों ने इस पर एतराज़ किया है, मुझे जहाँ लगता है कि ये भी उनकी मार्केटिंग पॉलिसी है। तीसरी एक अहम बात बड़े अफसोस के साथ मुझे करनी पड़ रही है कि जो पोर्न वीडियोज़ है उसकी सर्चिंग में पाकिस्तान का टॉप नंबर नहीं है, ऐसे ही पाकिस्तान को बदनाम किया गया है, लेकिन पाकिस्तान का एक अच्छा खासा नंबर है, मेरे ख्याल से 12वें या 13वें नंबर पर पाकिस्तान है। इसके बावजूद कि पाकिस्तान के अंदर तमाम वेबसाइट्स को ब्लॉक कर दिया गया है, तमाम वेबसाइट्स बंद कर दी गई है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग प्रॉक्सीज लगाकर मुख्तलिफ तरीक़ों से हम लोग फिर भी उन वेबसाइट्स तक रसाई हासिल करते हैं और हम उन वीडियोज़ को देखते हैं। फिर हम जब उन वीडियोज़ को देखते हैं और उसके बाद हम अपनी महविश हयात पर आते हैं जो कि तमगह इम्तियाज़ है उनके पास, उनको हम कहते हैं कि जनाब आप तो मुजरा कर रही हैं और ये कैसा है, ये हलाल है तो ये हराम है, तो हम किस मुंह से उनको कहेंगे। पहले हम अपने आप को तो ठीक कर लें फिर हम दूसरों के ऊपर उंगलियाँ उठाएंगे। और दूसरी बात, अब ये रियासत मदीना है और मैं इससे पहले भी कह चुका हूँ कि ये इस्लामी जमहूरी पाकिस्तान है और इसमें ये पहला इश्तहार नहीं है। आप लोग देख लें इवन के घड़ी का इश्तहार, परफ्यूम का इश्तहार, शैम्पू का इश्तहार, जो भी इश्तहार होगा, गाड़ी का इश्तहार, मोबाइल का इश्तहार, पेन का इश्तहार, उसमें भी आपको लड़की नाचती हुई नज़र आएगी क्योंकि लोग देखते हैं उसको। आप उसमें कोई बंदा बिठा देंगे ना मूछों वाला, कोई नहीं देखेगा, कोई दाढ़ी वाला बता देना और मौलवी आ गया, परे मारो इन्हू, यही तो है हम लोग। फिर हम लोग बात करते हैं कि जनाब इसने गलत कर दिया, जो इस्लामी मुल्क है तो ऐसा है तो वैसा है। ठीक है, इस्लामी मुल्क है, बिल्कुल पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर इस्लामी कवानीन आम तौर पर बदकिस्मती के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि लागू नहीं होते। तो मैंने अपनी राय, अपनी ऑब्जर्वेशन आप लोगों के सामने रख दी है। आपकी जो भी राय है इससे मुतल्लिक कमेंट सेक्शन में उसका इजहार ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए। पाकिस्तान पाइंदाबाद।